हाय फ्रेंड्स, तो मैं एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ जगलिंग का, जिसमें मैं थाई से जगलिंग कर रहा हूँ। ऐसा जगलिंग अगर आप भी करना चाहते तो बहुत ही आसान है। आपके थाई का जो अंदर वाला एरिया है, मतलब उसमें फोर्स कम लगता है, जो ये मैं निशान करके दिखा रहा हूँ, इस वाले एरिया से आपको थाई से जगलिंग करना, ठीक है। बॉल देखिए, अगर यहाँ पर पड़ रहा है तो उसमें पावर नहीं है, आप हाथों की मदद से ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉल को आपको ऊपर फेंकना है और थाई के उस वाले एरिया से लेना है, ताकि आपका बॉल कंट्रोल बढ़ सके, थाई से आपका कंट्रोल बढ़ सके। ये कुछ स्ट्रेचिंग है जो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए, और ख़ासकर अगर आप एक फुटबॉलर हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेंड्स है, अगल बगल कोई खेलने वाले जो फुटबॉलर हैं, तो आप उनसे ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका रिसीविंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। जितना रिसीविंग पावर बढ़ेगा, जितना आपका बॉल पे कंट्रोल अच्छा होगा थाई से, आप उतना बढ़िया जगलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल जो है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसा लगा वीडियो। अगर आपको स्टेप समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दिल से धन्यवाद आप सभी को।